आज होने वाला है हमारे पास सैमसंग का M33 5G फोन। इसका रिव्यू करेंगे, एक एक चीज ए टू जेड आपको बताएंगे कि आपको ये सेकंड हैंड खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैंने इसको सेकंड हैंड खरीदा है, तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको बता दूं, इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है और 6000 mAh की इसकी बैटरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और बेस्ट बजट फोन होने वाला है। और ये जब नया आया था, नया ये 15,000 या 16,000 रुपए के आसपास था। 5G फोन होने वाला है, 628 इसमें मेमोरी आपको देखने को मिलेगी। एक इसकी अच्छी बात नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें बॉक्स में साथ इसमें एक चार्जर वगैरह बिल्कुल नहीं आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और मुझे सेकंड इसकी बात ये अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी बिग नॉच इसमें देखने को मिली है, क्योंकि जो नए मॉडल्स आए हैं उनमें ये नॉच वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। सेकंड बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ये फोन है वो थोड़ा सा हैवी है। जैसे कि इस फोन को मैं पकड़ता हूँ तो इसकी जो ये वाली साइड है वो ज्यादा हैवी है, ये वाली साइड थोड़ी हल्की है। मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये इसमें साइड से इधर को जाता है। थोड़ा सा फोन ये मतलब वेट के हिसाब से थोड़ा सा हैवी लग रहा है। इसमें कवर भी डाल लूंगा, थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो जाएगा। ये 6000 mAh की इसकी बैटरी आपको देखने को मिलेगी और 1 या 1.5 दिन इसमें आपको इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आपको देखने को मिलेगी। इसमें इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। विदाउट कवर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी इसमें बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी डेंट वगैरह या फिर कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। विदाउट कवर आप इसमें काफी आसानी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसके कलर्स वगैरह और इसके ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि इसमें आउटडोर में भी इसको यूज़ करता हूँ तो इसकी ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, तो इसमें आउटडोर में भी इसकी ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है। सिक्योरिटी के हिसाब से इसमें आपको साइड में एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जो काफ़ी बढ़िया से वर्क करता है। और इसमें एक आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा, डॉल्बी विजन आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। सिंगल स्पीकर होने की वजह से इसकी क्वालिटी वगैरह और साउंड वगैरह काफ़ी अच्छा, आपको वॉल्यूम वगैरह बढ़िया मिल देगा, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम कम मिलेगा। और आवाज़ वगैरह काफ़ी बढ़िया, साउंड वगैरह भी काफ़ी अच्छा आता है इसमें। अभी इसमें एंड्रॉयड 13 रन कर रहा है और 4 या 5 साल तक इसमें सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे और कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, काफ़ी बढ़िया से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से इसकी बात करें, जैसे कि इसमें काफ़ी गेमिंग वगैरह यूज़ करता हूँ या फिर इसकी इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, 1 या 2 घंटे इसको लगातार यूज़ करता हूँ तो हीट हो जाता है। हीट होने की वजह से थोड़ा सा इसमें कई बार इसमें कैमरा यूज़ करता हूँ तो इसका कैमरा वगैरह थोड़ा सा लैग करता है और थोड़ा सा मेनू वगैरह भी इसमें थोड़ा सा हल्का सा लैग भी आ रहा है। कैमरा के बारे में बात करें, कैमरा इसका 50 MP का इसका कैमरा है और 4K 60 FPS पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकता है, तो इसकी क्वालिटी वगैरह फोटो की मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। इसका सेल्फी कैमरा 8 MP का है, एज कम्पेयर टू मैं अदर कंपनीज के बारे में बात करूँ इतने प्राइस में 16 MP का इसका कैमरा मिल जाता है, तो बेटर इसमें इन्होंने 8 MP दिया है। और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह 1080p में इसमें आप फ्रंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा नहीं मिलेगा, बट इसकी सेल्फी वगैरह पोर्ट्रेट वगैरह काफ़ी बढ़िया है। मैंने आपको सारे डिटेल में इस फोन के बारे में बता दिया है, बाकी आपको इस फोन के बारे में क्या कहना है और आपने कुछ पूछना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।